गाजियाबाद के सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में श्रावण मास और श्रावण शिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्रावण शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु भगवान दूधेश्वर का जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक के दौरान शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मंदिर के पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी स्वयं सभी व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। तो वहीं श्रावण शिवरात्रि पर्व पर मंदिर फूल बंगले के रूप में नजर आएगा और मंदिर को सजाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। फूल बंगला बनाने के लिए कारीगर बुलाए गए हैं। वहीं श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर के महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि इस बार श्रावण मास 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा, जिसमें 5 सोमवार होंगे। श्रावण शिवरात्रि 2 अगस्त को है। उस दिन प्रातः 6 बजे से हाजरी त्रयोदशी का जल चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, विशेष रूप से इस बार बहुत महत्वपूर्ण सावन का महीना है। भगवान शंकर का जो है वास जो है प्रतीक होता है कि अपना जो है ब्रह्म राजस्वासिंगम निर्मल वासिंगम जन्म दुख विनाशलिंगम तत्प्रणाम सदाशलिंगम। तो भगवान शिव के पृथ्वी पर वास हो जाता है और ये दूधेश्वरनाथ मंदिर में जैसे बोलते भाई या शिव जो है अपना कैलाश में वास होता है या शमशान में, तो यहाँ पवित्र शमशान है। जो कावड़ का मेला जो है इस बार में 22 अपना ये जो है विशेष रूप से जुलाई से शुरू हो रहा है और हमारे दूधेश्वरनाथ मंदिर में और पूरे भारत में अपने उत्तर भारत में विशेष रूप से कि ये आपका 1 और 2 अगस्त को जो है जल चढ़ने का समय है। दिन में 3:30 बजे है जो श्रावणी शिवरात्रि है उसका व्रत भी 2 तारीख को देगा। 2 अगस्त को जो है यहाँ 2, 3 और ये जो है 3 दिन का जो है श्रावणी शिवरात्रि मेला यहाँ पर दूधेश्वर मंदिर में अगस्त में रहने वाला है जी। सावन में तो बहुत भगवान का हमेशा से जो व्यक्ति पूरे साल में जो व्रत नहीं कर सकते हैं तो सावन के सोमवार में विशेष रूप से जो भी उसकी मनोकामनाएं अपनी अपनी अलग अलग मनोकामना होती है तो इस हिसाब से भगवान को पूरा महीना का उपासना करने का जो विशेष सावन में होता है कि भाई शिव पुराण का जो पाठ करना है और अपना जो है व्रत रखना है और उसमें मतलब शिवाय नमो या ओम शिवाय और शिव गायत्री जो तत्पुरुष है महादेवाय धीमे तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पंचामृत से है, पंचगव्य से है, 16 उपचार से है, जैसे व्यक्ति की क्षमता है उसके हिसाब से अपना जो है वो भगवान शिव का जो है श्रावण महीने में और विशेष के श्रावण के सोमवार में पूजा करने से उसका सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बहन जी, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कांवड़ियों की जिस प्रकार से भीड़ आएगी उसको लेकर भी कुछ व्यवस्थाएं की गई है मंदिर में? हाँ देखिए, अभी कल भी पूरा अधिकारी सब आए थे, निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। पूरा अपना जो है उत्तर प्रदेश जो पुलिस भी है वो विशेष उनका अभी हमारा जो है बिजली विभाग के सब अधिकारी भी आए थे। बता दें कि गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में श्रावण शिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। श्रावण शिवरात्रि पर जहां मंदिर को फूलों से विशेष रूप से सजाया जा रहा है, वहीं इस पावन दिन पर दूधेश्वर मंदिर में देशभर के लाखों श्रद्धालु भगवान का जलाभिषेक करेंगे। इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।